केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2024-25 के बजट में खेती और उससे जुड़े कामों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। इसमें रिसर्च, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, तिलहन और दालों के उत्पादन को बढ़ाने और खेती में तकनीक के इस्तेमाल की बड़ी योजना बनाई गई है। बजट भाषण में सीतारामन ने घोषणा की कि किसानों को जल्द ही 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों में 109 नई अच्छी उपज देने वाली किस्में मिलेंगी। न्यू 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट वैराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स विल बी रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट की तारीफ की और कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग, खासकर किसानों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। ये बजट 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और विशेषकर किसान, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये बजट वरदान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 3 सालों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करते हुए खेती में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI को लागू करने की स्कीम के बारे में भी बताया। Our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. कृषि क्षेत्र को तकनीक से जोड़ने के फैसले का केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्वागत किया। डिजिटल इंफ्रा बनाकर किसान को कई परेशानियों से छुटकारा दिलाया जाएगा। अब बैंक लोन लेने में उनको औपचारिकताओं में कई दिन नहीं लगेंगे, इसके कारण आधे घंटे में ही सारी जानकारी मिलकर उनका काम हो जाएगा। एक किसानों के लिए क्रांतिकारी बजट है ये। विपक्ष को बजट बिल्कुल भी रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में किसानों को MSP की गारंटी देने का कोई ऐलान नहीं किया गया। तो आप किसान को क्या MSP देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई MSP देने का इंतजाम है? किसान तो MSP मांगना चाहता है, आप MSP देना नहीं चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, क्या उसके लिए MSP की आपके पास तैयारी है? अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको MSP की तैयारी नहीं है और आप फसल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, अगर मंडियां नहीं बनाएंगे, ये सरकार बताए कि UP में अगर एक भी मंडी बनाई हो, तो जो मंडी नहीं होगी किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? देशभर के कई किसान नेताओं ने भी बजट को अन्नदाताओं के लिए बड़ा झटका करार दिया। इस बजट में ना तो MSP गारंटी कानून बनाने के लिए कुछ बजट में है, किसान खेत मजदूर को कर्ज माफी के लिए कुछ भी इसमें नहीं है, इसी के साथ साथ मजदूरों को रोजगार देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है और खेती को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया जो इस बजट में हम लोग मुढ़ली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये नकारात्मक बजट है, दिशाहीन बजट है, इसमें कोई भी खेती सेक्टर के लिए विजन नहीं है। बजट वर्षाई
കർഷകർ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വില 250 രൂപ ആക്കുക എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ റബ്ബർ കർഷകർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുനർകൃഷിക്കും വളത്തിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ സബ്സിഡികളും സബ്സിഡികളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ കർഷകർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കടുത്ത നിരാശയിലേക്ക് കർഷകർ പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒക്ടോബർ മാസമാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് റബ്ബറിൻ്റെ വില ഇടിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകർ കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവിടുത്തെ റബ്ബർ കർഷകരോട് കാണിച്ചത് കടുത്ത അവഗണനയാണ്. उसका जो उत्पादन दुगना होना चाहिए, उसके उसके खेती को किसानों को भाव मिलना चाहिए, और वो जो हमी भाव उन्होंने देने का जो वादा किया था वो हमी भाव के बारे में भी बजट में कोई तरतूद नहीं की है, और किसानों के लिए उन्होंने निराशजनक बजट पेश किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के मुताबिक बजट में किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है. कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कुल फंडिंग पिछले बजट से 1.31 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.